विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ महानगर की महत्वपूर्ण बैठक परशुराम भवन सेक्टर 37 में अध्यक्ष माननीय प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने संगठन का विस्तार करते हुए चंडीगढ़ महानगर और प्रखंड की महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें विशेष रूप से मनीष बख्शी, अजय महाजन, अमन कौर, वीरेंद्र गुरेरिया, अजय कंसल, हरीश लखबीर सिंह, संजय कंवल, ललित सांगर, कमलेश कुमार, नवेंद्र कुमारी शिवानी, राम कुमार, मोहन वर्मा, संदीप चक, पंडित देवी प्रसाद, जसपाल तिवारी, राजेंद्र गुप्ता प्रसाद, सतेंद्र, आदिश जिंदल, अंकुश गुप्ता, आइनर, संजय नारद, अरुण भारद्वाज, सुभाष गुप्ता, मनप्रीत सिंह, पंकज शर्मा, दीपक शर्मा, भूपेंद्र डजवाल, अमित हंस, संदीप चौधरी, मुकेश विक्रम, मुनीश परचा, बबलू को दायित्व दिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कर्नल धर्मवीर, तेजेंद्र सिंह, जितेंद्र दलाल, सुरेश राणा, देवेंद्र सिद्धु, गिरीश सचदेवा, अनुज कुमार सहगल, पंकज गुप्ता, गिरिवर, मनोज शर्मा, ऋषिराज, नरेंद्र बंसल, अरविंद मौर्य, प्रेम डोगरा, जितेंद्र कालरा, विजय, ममता डोगरा, रेणु रोहिला, विनीता आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। परिषद की घोषणाएं आपने आज की हैं, वो किस उद्देश्य को लेकर की हैं? ऐसे है, ये हर 3 साल के बाद टीम बनती है और उसमें हमने आज 33 कार्यकर्ताओं को घोषित किया है, जिनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ऐसे ही प्रखंड है हमारे 12, उनके प्रमुख, फिर आम है उनके प्रमुख, ये सब आज तय किए हैं ताकि ये विश्व हिंदू परिषद का काम जो है सुचारू रूप से चंडीगढ़ में कर सकें। इसके लिए हमने ये तय किया है कि चंडीगढ़ को एक रोल मॉडल बनाना है और ख़ास करके 2 आयामों को लेके बहुत ही एक युद्ध स्तर का ही काम हमने करना है। नंबर एक वो है नशा मुक्ति, जो हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहा है उसको उससे बचाना है ताकि वो ठीक रास्ते पर चले, देश और समाज की सेवा करें। दूसरा, ये जो लव जिहाद का काम चल रहा है इसको अपने बेटियां जो हैं उनको हमने रोकना है, उनको समझाना है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसको लेके विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ में काम करेगा। बाकी जितना भी हिंदू समाज है उसको संगठित करना है, उसको आगे लेके जाना है और वो ठीक मंदिरों की व्यवस्था हो, मंदिरों में ठीक पूजा स्थल पे अच्छे काम हो, सेवा के कार्य हो चंडीगढ़ में, इस उद्देश्य को लेके जो विश्व हिंदू परिषद है ये कार्य कर। जो भी आपने यह नए सदस्य जोड़े हैं, इससे पहले भी कोई सदस्य थे, इन्हें रिप्लेस किया गया है क्या इन सदस्यों को, या आज आपने कोई नया संगठन किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ पहले भी हमारे पास उनको दायित्व है उनकी आज घोषणा हुई, ये नई घोषणा ही हमने 33 की है। तो इससे पहले इनकी जगह पर कोई और था? नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा हमने आज घोषित की है। कुछ बदल होते रहते हैं, जैसे एक संगठन में काम करता है तो कई बार उनको किसी कारणवश छोड़ना भी पड़ता है, तो जो नई घोषणाएँ हुई हैं और पुरानी घोषणाएँ हैं वो है ही हैं, उसके अलावा ये उद्देश्य नहीं। मतलब मेन आपका जो उद्देश्य है क्या, वो हिंदुओं को संगठित करना है? हिंदुओं को संगठित करना है, ये अगर हम सब मिलके काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा तो सारा समाज आगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।